नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ रेवसा सीतापुर प्रेम बाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि गांधी क्षेत्र में टिड्डियों का दल दस्तक दे चुका है, काफ़ी अपने विशालकाय झुंड के रूप में देखने को मिला। वहीं पर टिड्डियों के झुंड आसमान में उड़ते हुए देखकर लोगों का जनसैलाब देखने के लिए उमड़ पड़ा। वहीं पर किसानों की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, जैसा कि किसानों में एक हड़कंप सा मच गया है कि अब फसल कैसे बचेगी, किस कैसे पलेगा किसानों का पेट और परिवार। कुछ तस्वीरें मौके की कैद की गई हैं, आप देख सकते हैं स्थानीय कस्बा चौराहे पर किस कदर से लोगों में एक चर्चा का जुबानी टिड्डियों के झुंड को लेकर बना हुआ है, बाजार गर्म है। वहीं पर लोग अपने अपने मोबाइलों में कैमरे में टिड्डियों के झुंड की तस्वीरें कैद करते नजर आए। बता रहे हैं कि ये हरी भरी फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं और इस कदर से नुकसान पहुंचाती हैं कि वो फसल किसान के लायक नहीं रह जाती है और जिस तरफ ये निकलती हैं उस तरफ किसान के खून पसीने की गाढ़ी मेहनत पर पानी फेर देती हैं ये टिड्डियों का झुंड। वहीं पर इनको बचाने के लिए लोगों में एक अधिकारियों में ये भी एक तस्वीर है, इनसे बचाने का केवल एक ही उपाय है, इनको धुएँ से परचाकर बचाया जा सकता है। और किसी आवाज़ से ज़्यादा नफरत करती हैं टिड्डियों का झुंड, जो कि आवाज़ बजाने से ये भाग जाती हैं। वहीं पर अगर दवा का छिड़काव किया जाए तब फसल की बचत होती है और उससे जान बच सकती है टिड्डियों के झुंड से। वहीं पर आप देख सकते हैं किस कदर से कुछ तस्वीरें मौके की आसमानी और कैद की गई हैं कि टिड्डियों का झुंड एक काफ़ी एक चर्चा का विषय बाजार गर्म है रेवसा स्थानीय कस्बा में, ग्रामीण अंचलों में। वहीं पर गांव में भी इसका हड़कंप सा मच गया है, आप देख सकते हैं कुछ कई जगहों से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि टिड्डियों का झुंड ने दस्तक दे दी है गांधी क्षेत्र में, काफ़ी एक हड़कंप सा मच गया है। वहीं पर टिड्डियों का झुंड देख कर लोग हैरत में पड़ गए हैं कि अब क्या होगा, कैसे बचेगी फसल। चौराहे पर लगा एक गोल्ड मोहर का पेड़ हरा भरा, जो देखने में कितना सुहायमान लगता था और अब भी लग रहा है, 10 सेकंड में लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा चर्चा का विषय बना। जिला सहकारी बैंक के शाम पास में छांव के लिए लोगों की छांव के लिए लगाया गया था, उसकी क्या दुर्दशा कर दी है 10 सेकंड में, 10 मिनट में करीब लोगों द्वारा जो जुबानी है, कुछ उसकी एकदम से पत्तियाँ नीचे झड़ गई हैं और पेड़ अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं और कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर को नज़दीक से हाथों में पकड़ कर भी खींचा और उनको निहारते नज़र आए टिड्डियों के कीड़े को। और वहीं पर स्थानीय कस्बा में लगे ड्यूटी पर जवान, पुलिसकर्मी और होमगार्ड अचानक आकाश में मंडराता हुआ टिड्डियों का झुंड को देख कर हैरत में पड़ गए, दंग रह गए। जो जहाँ से सुना वो वहाँ से देखने को निहारने लगा आकाश की तरफ और अपनी अपनी छतों पे लोग खड़े होकर देखते रह गए। इस कदर से उनका झुंड एक आक्रमण का रुख अपना कर देखने को मिला और आकाश में उड़ता हुआ नज़र आया। आप देख सकते हैं अभी तक जिन लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि खबर का मैसेज तत्काल आप तक पहुंचे और आप खबर से रूबरू हो सकें। वहीं पर खबरों को हम ये गुजारिश करेंगे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के, हमारी यूट्यूब चैनल की खबरों को आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे माध्यम से लोगों को शेयर कर जानकारी जरूर दें। टिड्डियों का झुंड कस्बा रेवसा में भी दस्तक दे रहा है। एक विशाल झुंड टिड्डियों का कस्बा रेवसा की सीन,
काफ़ी बड़ी बड़ी टिड्डियाँ। टिड्डियों के झुंड को देखने के लिए चौराहे पर उमड़ा जनसैलाब और काफ़ी लोग कैमरे में अपने कैद कर रहे हैं उनकी तस्वीरें, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों की तस्वीरें कैद करते हुए, ये रेवशा चौराहे की तस्वीरें हैं जहां पर टिड्डियों का झुंड पहुंचा और लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। टिड्डियों के झुंड के लिए देखने के लिए लोगों का जनसैलाब स्थानीय कस्बा चौराहे पर उमड़ रहा है और ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये टिड्डियों के झुंड को देखते हुए निकल रहे हैं कुछ लोग और कुछ उनकी तस्वीरें कैद कर रहे हैं। अरे रुको फोन कर रहे हैं देख। अरे देखो टिड्डी भी ना, ये युवक हाथ में टिड्डी को पकड़ कर दिखाता हुआ, हम एक नज़र दिखाते हैं वो तस्वीर टिड्डियों की, कितनी विशाल बड़ी बड़ी टिड्डियाँ। ये कहाँ से पकड़े हो? जिला सहकारी बैंक के। क्या 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 है ये? टिड्डी कीड़ा है। इससे क्या नुकसान होता है? इससे खेत में पड़ जाएंगे तो मतलब पूरा खेत नष्ट हो जाएगा, फसल नष्ट कर देती है। अच्छा, फसल को नष्ट कर देती है। अभी वहाँ पे पेड़ के पास थे और मतलब पूरा पेड़ नष्ट कर दिए। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जो है पेड़ की पत्तियाँ ताजी गिरी हुई, ये टिड्डियों का कमाल है। और टिड्डियों का हमला ये चौराहे पर, ये गोल्ड एक पेड़ लगा हुआ, हम दिखाते हैं एक नज़र जो इसमें फूल आते हैं और इसी पे आक्रमण किया और आक्रमण करने से ये तस्वीर टिड्डियों के हमले से इस पेड़ की हुई, जो कि फूल और पेड़ यहाँ पे गिरे हुए पड़े हैं, लोग उसको निहार रहे हैं। ये टिड्डियों का कमाल है और टिड्डियों के हमले से ये पेड़ की दुर्दशा हुई है। और ऐसे ही अब किसान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का एक खतरा बना हुआ है। ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं स्थानीय कस्बा रेवशा की है और ये एक हरा भरा पेड़ जिला सहकारी बैंक के सामने ये पेड़ लगा हुआ है, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर के सामने, और उसके नीचे ये लोगों की छाया के लिए लगाया गया था और सुंदरता के लिए, फल के लिए और फूल के लिए, और उसको यहाँ पे टिड्डियों के झुंड ने अचानक आ करके ये दुर्दशा कर दी कि आप देख सकते हैं उसकी सारी पत्तियाँ यहाँ पे ज़मीन में पड़ी हुई हैं और जिस खेत में ये निकल जाएंगी उस किसान की फसल का क्या हाल होगा, क्या दशा होगी, खून पसीने से कमाई और बुआई लगावा रुधान रुपाई से बर्बाद हो जाएगा। ये तस्वीरें हैं जो उसको दिखाने के लिए टिड्डियों के झुंड को देखने के लिए उमड़े हुए थे, आप देख सकते हैं। यह स्थानीय कस्बा चौराहे की तस्वीर है और ये पेड़ है जिसकी ये दुर्दशा यहाँ पे हुई है, इसके नीचे ये पड़ा हुआ। करेंगे कि क्या ये झुंड के रूप में यहाँ पर क्या देख रहे थे और क्या कारण था, पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे थे आप लोग? टिड्डी कीड़ा देख रहे थे। टिड्डी कीड़ा, ये क्या होता है? ये फसल को नष्ट करता है जहाँ पे। नहीं तो क्या काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रही थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा,
क्यों सर जी, इस टिड्डी कीड़े से क्या लाभ होता है किसान का, क्या नुकसान होता है? लाभ क्या होता है, नुकसान होता है। अच्छा, नुकसान होता है। अच्छा अच्छा, ये पत्तियां जो पड़ी हैं ये अभी 2 मिनट में पांच मिनट में बिल्कुल साफ कर दिए। अच्छा, ये पेड़ किसका है, का है, कौन चीज का है? गोल्ड मोहर का पेड़ है। गोल्ड मोहर का पेड़ है। जैसा कि लोगों ने बताया कि इन टिड्डियों के आक्रमण से इस पेड़ की सारी पत्तियां यहां ज़मीन में दिखाई दे रही हैं। ये पेड़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के सामने लगा हुआ है और वहीं पर ये बताया जा रहा है, किसानों का कहना है कि ये टिड्डियों का झुंड किसानों के लिए काफ़ी हानिकारक है, जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं। पर निकली टिड्डियों के झुंड की चर्चा करते हुए स्थानीय ड्यूटी पर तैनात और पकड़ किया है, पकड़ कर दिखा भी रहे हैं। ये स्थानीय कस्बे में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड और कांस्टेबलों की तस्वीरें हैं। आपने देख रहे हैं कि हाथ में पकड़े हुए टिड्डियों की इस कदर से चर्चा यहां कस्बे में एक छाया हुआ है। हम दिखाते हैं, एक जवान पकड़े हुए हैं होमगार्ड, एक टिड्डी की तस्वीर है, उसी की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से स्थानीय कस्बे में गूंज रही है। ये आप देख सकते हैं, ये आपस में जो है टिड्डियों की चर्चा करते हुए, क्योंकि जब झुंड निकला तो काफ़ी दंग रह गए कि ये कौन सी बला आ गई। देखकर टिड्डियों के झुंड की फ़ोटो भी, तस्वीर भी कैद करते नज़र आ रहे हैं, उसी की चर्चाएं करते हुए आपस में। ये तस्वीर टिड्डी की है, जो यह स्थानीय कस्बा में ड्यूटी कर रहे जवानों के द्वारा पकड़ा गया है और इसको देख रहे हैं, उसी की चर्चाएं जोर शोर से, और उसकी तस्वीर भी मोबाइल में कैद की। एक टिड्डी पकड़ो, अरे टिड्डी का है, टिड्डा का बाप वहीं से मैं तेरी बना ली बड़ी है, बना ली है, बना तो खा लो, तो खुला क्या मतलब है, तो बहुत होशियार है, तो थाली बजा देगी भाग, सब जगह है क्या तो फिर पूरा, अरे तो छत पर पूरे गए पाकिस्तान छोड़ा बड़ी बढ़िया है।